हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाफ्टर एंड चेयर्स। तो आज का आप लोग सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ दिस बिग बॉक्स दैट इज़ इनसाइड। तो आप गेस कीजिए कि क्या होगा। तो आई जस्ट गॉट दिस टुडे फ्रॉम द जंबो ई, इट इज़ इन द शॉप, अ रिटेल इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वेरी गुड एंड इट ऑल्सो हैज़ अ गुड रिव्यूज़। तो हमने आज परचेज किया एक अदर लैपटॉप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे पास है पूरा एक लैपटॉप और इसकी अनबॉक्सिंग आज करेंगे माय हस्बैंड। सो वेलकम माय हस्बैंड टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन योर वीडियो। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन दिस लैपटॉप दैट आई बॉट टुडे फॉर माय ऑफिस वर्क। सो लेट मी ओपन इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लैपटॉप। This is a newly introduced laptop which is having so many good features and it's very good performance wise and it has a good processor, everything which you need for the IT related work. Okay. So, आप इसको थोड़ा सा हमें अंदर से दिखाएंगे कि किस तरह से बॉक्स दिख रहा है। ये ऐसा बॉक्स है, इसकी पैकिंग ऐसे हुई भी है और ये HP का लैपटॉप है। वाओ, नाइस, मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो आप इसको निकालिए। जी बिल्कुल। और मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओह वाओ, और आप लोग देख सकते हैं कि ये HP लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम जो आप देख सकते हैं ये HP है। और nice, many congratulations, आपके ऑफिस वर्क के लिए आपको बहुत जरूरी था। क्योंकि मैं IT related काम करता हूँ तो मेरे लिए। और ये है इसका, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी चार्जर, ये आप देख सकते हैं इसका चार्जर है। और अब हम इसको खोलते हैं लैपटॉप को। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट एंड है और इसको हम यूं ऊपर करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये इसकी पैकिंग जो है अब फिनिश हो चुकी है। और ये इसकी बुक है, ये देखें आप। और बड़ी अच्छी सिल्वर प्लेटेड इसका कलर है, बहुत लाइट वेटेड भी है। और इसका जो है वो कोर i5 ये प्रोसेसर है, इसकी हार्ड ड्राइव 1 TB है और बहुत ही अच्छा है परफॉर्मेंस वाइज। इसके 4 प्रोसेसर्स हैं इसमें और ये आज ही 11th जनरेशन कोर i5 और ये आज ही मार्केट में आया था और इसकी डिमांड भी काफ़ी चल रही है, लोग जो हैं वो परचेजिंग बहुत कर रहे हैं। और स्टॉक में भी सिर्फ मेरे पास लास्ट था तो लकीली मुझे ये मिल गया। तो आपको ये टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? टोटल कॉस्ट जो है वो मुझे पड़ा है 3400 का। 3400 दिरहम, 3400 दिरहम। और मैंने क्योंकि रैम इसमें बढ़वाई है, क्योंकि मेरे काम के हिसाब से मुझे 16 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट थी तो मैंने इसकी रैम जो है वो 8 GB बढ़वाई है, वरना इसकी ओरिजिनल प्राइस 3100 है, 3100 AED दिरहम। तो आपको 300 में रैम जो है वो इंक्रीज़ करके दे देंगे और आपकी जो है 8 GB रैम उन्होंने मुझे 300 में इंक्रीज़ करके दे दी। तो मेरी अब ये 16 GB रैम का एक लैपटॉप है और इसका जो NVDA का एक ग्राफिक्स कार्ड है वो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में, ये इसका बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड कहलाता है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं, वेबकैम भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब आप देख रहे होंगे किसका साइज़ कितना मतलब कॉम्पैक्ट है बहुत। और लैपटॉप लुक वाइज भी अगर आप देखें तो बहुत ही लाइट है और बहुत अच्छा है। स्क्रीन भी इसकी 15 inch जो है वो एक स्क्रीन है। और ये तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है तो मैं सारे इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक साथ, लेकिन ये आपको हेल्प करेंगे कि अगर आप कोई लैपटॉप चूज़ करना चाहते हैं कि मतलब ये अभी इस वक्त मार्केट में बहुत डिमांड चल रहा है तो आप लोग ये लैपटॉप जो है वो मेरे हिसाब से परचेज करना चाहिए, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ओके, थैंक यू सो मच उज़ैर और थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस रिव्यू, अ क्विक रिव्यू। मैं इसको खोल भी लेता हूँ ताकि ये लोग देख भी लें कि ये खुलते हुए में ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह आपसे थोड़े दिनों के बाद इसका प्रॉपर एक और रिव्यू लेंगे और फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। आई जस्ट लव दिस डेस्कटॉप
स्क्रीनशॉट एंड आई जस्ट लव दीज कलरफुल अम्ब्रेलास. तो देयर व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड एट लाफ्टर एंड चीयर्स. और फिर इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में. अपना बहुत ख्याल रखिए. हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड टेक गुड केयर्स ऑफ योर्स. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.